सबसे पहले तो मैं दरगाह में आया हूँ, ये आज से नहीं, बहुत बचपन से मैं आता जाता यहाँ पे रहा हूँ और कई बार मैंने मन्नतें ली हैं और मन्नतें मेरी पूरी हुई हैं। यहाँ पर मुस्लिम ही नहीं, ये 36 कौम के दरगाह है, 36 कौम की। और आज हम आए हैं कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम के साथ में, राजस्थान में और देश में परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, देश महंगाई से जूझ रहा है और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल हो रहे हैं महंगाई को लेके। डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहा है, खाने की सब्जियाँ कहाँ जा रही हैं, दालें कहाँ जा रही है, तेल कहाँ जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और राजस्थान के अंदर भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उस काम को देखते हुए जिस तरह से आधारशिलाएँ और उद्घाटन हो रहे हैं, जो योजनाएं लेके आए हैं और चुनाव के समय जो वायदे किए थे वो 70% पूरे किए हैं, एक बार फिर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी, ये मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूँ। अजमेर में आपका कहाँ कहाँ का दौरा है? अजमेर में आज पूरे अजमेर के अंदर जो आने वाले 2 साल में क्या काम होंगे और क्या काम हमने किए और 3 साल अशोक गहलोत साहब की सरकार के पूर्ण हुए, इसको लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारियों के साथ में बैठक थी। अभी ख्वाजा साहब के दर्शन करके निकले हैं और कुछ टाइम के बाद हम पुष्कर जाएंगे। कल भी मैं यहीं हूँ, कल भी कई सारी मीटिंग करेंगे हम।